स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 10th का नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसी के आगे के टॉपिक्स को बताने के लिए आया हूं। इससे पहले कि अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको ये बतलाया था कि किस तरीके से नेपोलियन जो है ना वो फ्रांस की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर फिर से वहां पर मोनार्कल सिस्टम लेकर आ जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि फ्रांस में जो है नेपोलियन जो है वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर मोनार्कियल रूल सेटअप करता है, तो कुछ कुछ अच्छे काम भी उसने किया। और अच्छा काम उसने ये किया कि उसने जो है नेपोलियन ने जो है आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में यानी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो है उसने जो है बहुत ही अच्छे कार्य किए, जिसके कारण बस जो है फ्रांस ही नहीं बल्कि फ्रांस के अलावे और भी अन्य जगहों पर जो है नेपोलियन को जो है हर्बिंगर ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना गया, यानी आज़ादी का मसीहा उसे जाना जाने लगा। इटली हो, जर्मनी हो, बेल्जियम हो, इन सभी स्विट्जरलैंड हो, इन सभी कंट्रीज ने जो है नेपोलियन का वेलकम किया। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे, फोकस हमारा इसी पर होगा कि नेपोलियनिक सिविल कोड क्या है। तो नेपोलियन के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार व्यवस्था के लिए जो कार्य जो किए गए थे वर्ष 1804 में, इसी को हम लोग कहते हैं नेपोलियनिक सिविल कोड। एक बार फिर से जान लीजिए, नेपोलियनिक सिविल कोड है क्या। तो नेपोलियन के द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जो है जो कार्य जो किए गए, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में जो सुधार के जो कार्य जो नेपोलियन ने जो किया, ठीक है, वर्ष 1804 में, इसी को हम लोग नेपोलियनिक कोड कहते हैं। इसे हम लोग जो है नागरिक संहिता भी हिंदी में कहते हैं। तो आइए जरा जानते हैं कि आखिर नेपोलियन ने क्या कदम उठाए थे, इस नेपोलियनिक सिविल कोड में क्या क्या बातें थी। तो सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि फर्स्ट थिंग यानी टोटल आपको पांच चीजें आपको जाननी है। ये इन्हीं पांच चीज जो है ये मूल तौर पे जो है बेसिक जो है नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट है, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो ये है कि एबॉलिश जो है प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। यानी फ्रांस में जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि जो प्रिविलेजेस जो मिला आ रहा था फर्स्ट स्टेट को, सेकंड स्टेट के लोगों को, इन सभी के प्रिविलेजेस को क्या किया, नेपोलियन ने खत्म कर दिया। ना सिर्फ शुरुआत, तो ये सब सभी चीजों का जो भी आपको जो है नेपोलियनिक ने जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम जो किया था, शुरुआत तो हुआ था इसका फ्रांस में ही, लेकिन बाकी जो है और जो देश नेपोलियन के साथ आते चले गए वहां पर भी नेपोलियन ने क्या किया, इसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उन जगहों पर भी लागू किया। तो बात हम कर रहे थे, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो था वो जो है एबॉलिश ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जन्म के आधार पर जो भी विशेष अधिकार जो दिए जा रहे थे फ्रांस में आपको, किसको, तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स के लोगों को जो अधिकार जो दिया जा रहा था इसको क्या कर दिया गया, यहां पर खत्म कर दिया गया। यानी प्रिविलेजेस जो दिए जा रहे थे अब वो प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए। दूसरा पॉइंट आपको जो है राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब क्या है सब, यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार, यानी लोगों को जो है समान अधिकार सभी के पास है, यानी राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, और सभी लोग जो है कानून के नजर में बराबर है, और साथ ही साथ राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति पर अधिकार, यानी लोगों की संपत्ति जो है ना उस पे लोगों का अपना अधिकार होगा, ठीक है, और गवर्नमेंट जो होगी ना सरकार का ये अधिकार है कि वो उनकी जो है संपत्ति की रक्षा करे। लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़े तो सरकार उनकी संपत्ति को ले सकती है। मान लीजिए कि अगर रोड बनाना है, सड़क बन का निर्माण करना है, या फिर और पब्लिक के लिए ही कुछ काम करना, तो उसमें अगर उसकी जमीन को अगर गवर्नमेंट को लेनी है तो वो गवर्नमेंट ले सकती है। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट आपको क्या बताया, राइट, पहला हमने बताया ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को उसका एबॉलिश किया गया, दूसरा हमने राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, और तीसरी अब बात करते हैं, तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। जरा इस टॉपिक को जो है इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। एबॉलिश्ड सर्फडम मैनोरियल ड्यूज, एबॉलिश व्हाट, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, समझिए इसको। तो क्या एबॉलिश किया गया, एबॉलिश किया गया फ्यूडल सिस्टम को। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है जमींदारी व्यवस्था। जो जमींदारी व्यवस्था हमारे देश में जैसे थी पहले प्राचीन समय में अंग्रेजों के शासनकाल में, जमींदार जो हुआ करते थे वो टैक्स लोगों से लिया करते थे, पीजेंट से, तो वैसे ही यहाँ पर जो है नेपोलियन ने क्या किया कि आपको जो है सर फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, ठीक है, यानी जमींदारी प्रथा जो है व्यवस्था को जो है उसको खत्म कर दिया, ठीक है, और क्या किया, सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज को भी एबॉलिश कर दिया। सर्फडम क्या होता है, सर्फडम का मतलब होता है भूदासत्व, यानी कहने मतलब है कि गुलाम बनाकर किसी को जो है अपने जमीन पर काम कराना, इसी को हम लोग कहते हैं सर्फडम, ठीक है। और एक बात इसमें आता है मैनोरियल ड्यूज। मैनोरियल ड्यूज क्या है, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैनोर के बारे में, ठीक है,
क्लास नाइन्थ में आप याद कीजिए कि क्लास नाइन्थ में जो है रशियन रेवोल्यूशन में उसमें मैनोर एक टॉपिक था। मैनोर किसको कहते हैं? MANOR, मैनोर। मैनोर का मतलब होता है जो जिन लोगों के पास जो है अधिक भूमि होती है ना, ठीक है, रिच जो मर्चेंट्स जो थे, ठीक है, उनके जिनके पास जो है क्या है अधिक भूमि है, या वैसे लोग जिनके पास जो कि बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं, उनको क्या कहा जाता था? मैनोर कहा जाता था। तो मैनोरियल ड्यूज का मतलब क्या हुआ? मैनोरियल ड्यूज जो है ये कर्ज है, ठीक है, यानी ड्यूज यानी बकाया, ठीक है, बकाया किस चीज का, यानी जो छोटे मोटे किसान जो थे अगर वो जो दूसरों की जमीनों पर जो खेती करते थे उसके लिए वो लगान देते थे, तो वही चीज जो है ना कि यहाँ पर मैनोरियल ड्यूज हो गया, यानी जो टैक्स जो होता था छोटे मोटे किसानों के द्वारा जो पे किया जाता था, ठीक है, इसी को कहा गया मैनोरियल ड्यूज, ठीक है, यानी मैनोर को जो है उनको पैसा जो देना होता था, ठीक है, वही कहलाया मैनोरियल ड्यूज। तो नेपोलियन ने तीसरा काम क्या किया? नेपोलियन ने तीसरा काम ये किया कि एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। अब चौथा पॉइंट हम लोग बात करते हैं, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड। ध्यान दीजिएगा, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड का मतलब क्या हुआ कि गिल्ड, सबसे पहले जाने कि गिल्ड्स क्या, कौन थे गिल्डर्स, कौन थे, तो गिल्ड्स जो होता है ना ये एक एसोसिएशन होता है। किसका एसोसिएशन? तो मर्चेंट्स का एसोसिएशन, जिसमें क्या होता है ना कि इन ये एक ही शहर में जो है वो आपको जो है व्यापार करने का इनको अधिकार होता है, यानी एक अपना जो है ये मर्चेंट्स का एक समूह है जो कि किसी एक विशेष शहर में जो है वहां पर व्यापार करते हैं और दूसरे किसी व्यापारी को जो है अपने उस सीमा के अंदर आने नहीं देते हैं, उनको व्यापार करने का अनुमति नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड, यानी गिल्ड्स के ऊपर जो इन मर्चेंट्स के ऊपर जो पाबंदियां जो थी, ठीक है, कि वो दूसरे शहर में जो है व्यापार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना इसको हटा दिया गया, यानी गिल्ड्स के रिस्ट्रिक्शंस को जो है हटा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया गया, क्योंकि निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब व्यापार आप अगर आप सुगम बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं, तो इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको ये जरूरी है कि संचार का साधन, यातायात का साधन ये बढ़िया होना चाहिए। और ऐसा ही नेपोलियन ने कदम उठाया कि भाई अगर हमें अपने बिजनेस को, यानी कहने मतलब है कि व्यवसाय को अगर अच्छा करना है तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम का होना बेहतर बहुत ज़रूरी है, और ऐसा ही नेपोलियन ने किया। फिफ्थ पॉइंट जो आपको जो है, फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको नेपोलियन ने क्या किया, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर सिस्टम, यानी हर जगह पर जो है ना एक समान नाप और तौल का व्यवस्था कर दिया। यानी पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए फ्रांस के किसी शहर में अगर ये जो है कोई वक्त एक मीटर बराबर अगर 100 सेंटीमीटर होता है तो कोई दूसरे शहर में जो है वही एक मीटर बराबर 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, किसी और दूसरे शहर में एक मीटर बराबर 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना वेट और मेजर सिस्टम जो थे वो अलग अलग शहर में अलग अलग थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, स्टैंडर्डाइज यानी एक निर्धारित विशेष तौर पर जो है एक ही जो है नाप और तौल का व्यवस्था किया गया, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर सिस्टम एंड यूनिफॉर्म करेंसी, यानी यूनिफॉर्म करेंसी यानी नेशनल करेंसी, जैसे फ्रांस की करेंसी जो थी वो फ्रैंक थी, ठीक है, उस समय फ्रैंक थी, तो जो कि आपको नेपोलियन के समय फ्रैंक जो है वो करेंसी थी, ठीक है, जिसमें नेपोलियन का जो है ना चित्र जो है वो एम्बेडेड होता था, गोल्ड कॉइंस ये होते थे। तो यहां पर जो है ना कि आपको जो है कि जो करेंसीज जो है ना वो सभी जगहों पर एक ही जगह एक ही चलेंगी, अलग अलग करेंसी नहीं होगा, जबकि पहले ऐसा ही होता था कि अलग नाप तौल होता था और अलग जो है क्या होती थी अलग अलग जगहों पर अलग अलग करेंसी होती थी। अब जब सोचिए कि अगर एक देश में, अगर अपने भारत देश में सोच लीजिए कि अगर ऐसी ही व्यवस्था हो गई कि बिहार में अलग करेंसी है, यूपी में अलग करेंसी और अन्य राज्यों में अलग करेंसी है, तो कितना दिक्कत भरा हुआ होगा व्यापारियों के लिए, कितना दिक्कत का जो है ये सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही सोचिए कि जो है यूरोप में जो है ये नेपोलियन ने कितना बड़ा काम किया कि उसने जो है यूनिफॉर्म वेट और मेजर सिस्टम के साथ साथ उसने जो है कॉमन नेशनल करेंसी लाया, ठीक है। तो ये जो है टोटल जो है वो 5 चीजें जो है नेपोलियन के द्वारा किया गया था। इन चीजों का जो है व्यापारी वर्ग के लोगों को जो है बहुत लाभ मिला, व्यापारियों को जो है ये इन, इन, इन जो
प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो सुधार जो नेपोलियन के द्वारा जो किया गया था, इसका जो है उन्हें एक जो है नए आजादी के तौर पर वो इसे देख रहे थे। ठीक है, तो नेपोलियनिक सिविल कोड का बस यही 5 पॉइंट्स है जिसे आपको फोकस करना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आप जो है ये टोटल 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बतलाया है एक क्वेश्चन के तौर पर इसे नोट कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय नेपोलियनिक सिविल कोड? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय नेपोलियनिक सिविल कोड? इसमें आपको पूरा समझाना है कि नेपोलियनिक सिविल कोड होता क्या है, जो 5 मैंने पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स, और नेपोलियनिक सिविल कोड है क्या, पहले नेपोलियनिक सिविल कोड है क्या, और उसके बाद आपको जो है उसमें जो मेजर्स जो अपनाए गए नेपोलियन के द्वारा उसके बारे में आपको बताना है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस सिर्फ इतना ही, आगे के वीडियो में आपको आगे आपको अपडेट दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।